नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में कोविड मामले में बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 501 संक्रमित, 9402 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बंद, भूस्खलन के कारण रास्ता मलबे से जाम, तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। प्रदेश के 7 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग, 18 किलोमीटर तक मोटर मार्ग बनाने की मांग, तीर्थ पुरोहितों ने किया आंदोलन तेज। और बेरोजगार युवाओं को मिला स्वरोजगार योजना का लाभ, विधायक ने चेक एवं कृषि उपकरण किए वितरित, सभी लाभार्थियों को दी गई शुभकामना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं सितारगंज में। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को किसान मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह ने कहा कि भारत सरकार समस्त ऑपरेटिव व्यवसाय की चीनी मिलों को चुनाव कराकर बोर्ड गठित करे और समस्त चीनी मिलों को शुरू करने और गन्ने का तुरंत भुगतान किए जाने की मांग की। आंधी चल रही है एफडीआई के निवेश के नाम पर, जिसमें प्रत्येक पूरे देश के अंदर मंडियों को बेचा जा रहा है कॉरपोरेट घरानों को, जिससे किसानों का विनाश होने जा रहा है। और किसान ये और तो हो रहा है, जो हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं, जहां सभी धार्मिक स्थलों के अनुष्ठानों पर कोविड का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं रानीखेत के प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर में लगने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले पर भी कोविड का बुरा असर देखने को मिला है। रानीखेत का झूला देवी मंदिर, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, यहां पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां हैं और इन घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। इन घंटियों की वजह से माता रानी के इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन कोविड वायरस के चलते माता रानी के दरबार में भी सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना की वजह से सरकारी जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें अनलॉक 3 में 15 अगस्त तक का है, मंदिरों में किसी प्रकार के फंक्शन नहीं होंगे। ये तमाम जो बड़े बड़े मथुरा है, वृंदावन में, वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक कितनी आती है, सरकार किस ढंग से इसको वो करेगी, क्योंकि ये मैं इसमें कह नहीं सकता कि, लेकिन वैसे थोड़े बहुत लोग आएंगे जो लोकल हैं, 2-4 इधर उधर के लोग आएंगे, उनमें भी भय है कि जन्माष्टमी के दिन इस बार इतनी चहल पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग आएंगे वो अभी आ रहे हैं, कुछ भी आता है तो उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपनी आवास पर आशा वर्करों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि शुक्रवार से आशा वर्कर अपनी मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं। पूर्व विधायक नारायण पाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता की और आशाओं के मानदेय के बारे में पूरी जानकारी ली गई। आशा वर्करों का कहना है कि सभी आशाओं को परमानेंट किया जाए और सभी को मासिक वेतन दिया जाए। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत के बहुत सारे लोगों ने आशाओं की जो बिल्कुल जड़मूल की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को नहीं समझा होगा। इन लोगों को अनुमन ने 1600 रुपये महीना मिलता है, फिर ये 15 दिन जब घरों में जाती है टीकाकरण के लिए 150 रुपये मिलता है, 42 विजिट करती हैं तो उसका 250 रुपये मिलता है। खटीमा में 2 दिन के लॉकडाउन का असर परिवहन निगम को भी पड़ा है, लेकिन खटीमा रोडवेज बस स्टेशन से सुबह से 20 रोडवेज की बसें अलग अलग स्टेशनों को तो निकली, लेकिन 20 बसों में 20 सवारियां तक नहीं मिली।
जिसकी वजह से निगम के राजस्व को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आएगी नहीं सर, ये खटीमा में जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे सवारी मिल नहीं रही है। सवारी मिलने ना मिलने के कारण बसें 20 बसें सुबह से चल चुकी हैं, जिसमें 20 सवारी नहीं हुई है और खाली गाड़ी चल रही है। जहाँ की उत्तराखंड की कोई भी हल्द्वानी या टनकपुर है या रुद्रपुर है या काशीपुर है, किसी में 4 सवारी, किसी में 2 सवारी, किसी में 5 सवारी, इससे ज़्यादा सवारी नहीं होती। उत्तराखंड में लगातार कोविड का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेशों के बाद सीमांत खटीमा में प्रशासन एक्शन में दिखा है। 2 दिनों में 200 से पार हो पहुंचे कोरोना मरीजों की संख्या से चिंतित प्रशासन ने 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन पर बेवजह बाजार में घूमने वाले बगैर मास्क लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बढ़ते कोविड संक्रमितों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बताया कि 2 दिनों में से ज्यादा संख्या में कोविड मरीज मिलने पर एहतियातन नियंत्रण को लेकर शनिवार इतवार को पूर्ण लॉकडाउन कर लोगों को हिदायत दी गई है। देखिए, दुकानों पर भी जो पहली बात तो उनको समझाया जा रहा है, लेकिन समझा के भी अगर नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और जरूरत पड़ी तो मुकदमा भी लिखाया जाएगा। आज उल्लंघन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर घूम रहे व्यक्ति स्पेशली उनको लेकर आज मुकदमा हमारे द्वारा दर्ज कराए जा रहे हैं। कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि कंटेनमेंट के अंदर से भी लोग जो है अपना विरोध को बाहर आना जाना कर रहे हैं, तो उसको लेकर आज फोर्स भी बढ़ाई जा रही है और उनकी चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उसे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। देशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उसे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर आइए हम सब हर रविवार मात्र 15 मिनट डेंगू पर करें बात। वैश्विक महामारी कोविड के संकट काल में हमें डेंगू को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसी क्रम में आज हरिद्वार आवास का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, साफ पानी में ही डेंगू पनपते हैं। हमें डेंगू को पनपने नहीं देना है, इसके लिए अपने घर और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हम हर सप्ताह रविवार को केवल 15 मिनट का समय निकालें और डेंगू पर वार करें। आपका योगदान बहुत जरूरी है। मौसम विभाग द्वारा बरसात का पूर्वानुमान सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है, जिसमें 7 जनपदों में कहीं भारी बारिश, बहुत भारी होने की चेतावनी भी जारी की गई है। नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। नगर में बहने वाले नाले उफान पर हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों को मुश्किलें हो गई हैं। काश्तकारों का कहना है कि बरसात के चलते जानवरों के लिए जंगलों से चारा ला पाना काफी मुश्किल है और ना ही खेतों में काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेती बाड़ी का तो सब नष्ट है, कोई खेती में जा ही नहीं सकता है। गाय भूखी मर गई, बकरी भूखी मर गई, घास काटने में तकलीफ हो रही, खेत में जाया ही नहीं जा रहा है, सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है बारिश से। तो कल रात इसमें तक बिल्कुल लगातार है बारिश। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के पंडरी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी और आंदोलन में सहयोग करने वाले महापुरुषों को याद किया और शहीद हुए महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के पंडरी चौराहे पर पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। सितारगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वही सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगस्त क्रांति दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी को याद किया। हमारे जो है इतने स्वतंत्रता सेनानी हमने आंदोलन छेड़ा था देश की आज़ादी के लिए, उनको हमने सारे कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमने जो है एक क्रांति 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी कांग्रेसजन हम सभी जनों को बहुत बहुत बधाई। नैनीताल भीमताल झील में ब्रिटिश काल में से वे बना डैम अपनी उम्र पूरी कर चुका है, जिसकी वजह से डैम की दीवारें जगह जगह से जर्जर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी इसके ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बताते स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पुरन ब्रजवासी ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद भीमताल डैम को बचाने के लिए अब पीएम से गुहार लगाई गई है। बहुत खतरा सर इसमें, तो अभी ये बरसात चल रही है, अभी तो पानी कम है। जब इसमें पानी जब भर जाता है तालाब में, ओवरफ्लो होता है, तो बहुत बहुत डर सा लगता है। डैम में चलने में भी डर लगता है, इतना पानी हो जाता है इसमें। आधी तूफान में तो और खतरा रहता है। आयु पूरी कर चुका है, सबसे बुरी बात तो ये है क्योंकि सन 1888 में इस डैम का निर्माण किया गया। अंग्रेज सरकार ने इस डैम का निर्माण किया और ये निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हल्द्वानी क्षेत्र के लिए यहाँ से सिंचाई पानी जाए।
और आज 138 के समथिंग इसको पूरे होने को जा रहे हैं। यूनियन रिपोर्ट ऐसा कोई गदरा नहीं है और इसका जो ट्रीटमेंट का डीपीआर है वो भी शासन में प्रेषित किया गया है। बहरहाल ऐसा इमीडिएट कोई रिस्क नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको हमें रिपेयर करना होगा। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के तांडव से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। यहां पर केदारनाथ हाईवे भीरी के पास मलबा आने से बंद हो गया और वहीं मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगती हुई नजर आई। तो वहीं हालांकि प्रशासन की तरफ से रास्ते खोलने की जद्दोजहद जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग कर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माना तो लगाया जाए, लेकिन जुर्माने के साथ ही चार चार वॉशेबल मास्क भी उपलब्ध करा दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में कोविड 19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मकसद यह है कि लोग मास्क पहने। कई बार किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं या भूल गया, माना कई बार हो सकता है ऐसा कि घर से कोई निकलता है और जल्दबाजी में या किसी कारण वो नहीं पहन पाता, कई बार उपलब्ध भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि जब हम उस पर दंड आरोपित कर रहे हैं तो हमारी ओर से मास्क की व्यवस्था होना चाहिए, हम उनको मास्क दे दें, ताकि जो मकसद है सरकार का और जिससे वास्तव में दंड लगा के तो कोई कोविड भागने वाला नहीं है, तो कोविड तो अगर कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो मास्क से ही कर सकते हैं, जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस उसको बना कर ही रह सकते हैं, साफ सफाई से ही हम कोविड से दूर रह सकते हैं। और इसलिए ये कहा गया कि आप उनको मास्क दें। और यहाँ बस एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग की दर बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं देखें, क्लिनिकल मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जाए, कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से किया जाए, बच्चे और बुजुर्ग बहुत जरूरी ना हो घर में ही रहें। काशीपुर में दो पक्षों में घर के आगे सड़क को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 4 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में विपिन जिंदल ने कहा है कि वह शुक्रवार शाम अपने घर के सामने सीढ़ियों का निर्माण करवा रहे थे। इसी बीच उनके पड़ोसी सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और उनके पिता राकेश गुप्ता के साथ 3-4 अज्ञात व्यक्ति आए और गालियां देते हुए लोहे की रॉड से सीढ़ियों को तोड़ने लगे। विपिन जिंदल ने पुत्र ने इसका विरोध किया तो उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। देखिए, कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के चामुंडा विहार में कि दो पक्षों में मारपीट हो गई है। पुलिस द्वारा जिसमें मौके पर जाके जांच करी गई, उसमें ये पाया गया कि वो विपिन जिंदल जो हैं उनके पड़ोसी सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता द्वारा उनके मारपीट करी गई है। इस संबंध में थाना काशीपुर में कल रात को FIR पंजीकृत करी गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें प्रगति। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय के पास अनशन पर बैठी विवाहिता लोगों की सहानुभूति का केंद्र बन गई है। विवाहिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों उसे दहेज के लिए परेशान कर रही हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। पीड़ित महिला को धरने पर देख लोगों को की उसी सहानुभूति मिल रही है। बंदीनगर के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसी गेहूं का बीज ईजाद किया जिसमें आयरन, जस्ता और प्रोटीन की एक साथ भरपूर मात्रा पाई गई है। वैज्ञानिक की टीम ने इस बीज को बनाने के लिए 12 वर्ष का सफर तय किया है। इससे बनने वाले पदार्थों से कुपोषण और कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता भी अन्य फसलों के मुताबिक अधिक है, जिससे किसानों को भी इसके फसल से फायदा होगा। इसमें जो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गेहूँ में, 12% से अधिक है, 12.5% से अधिक है। इसके अलावा इसमें जस्ता
जस्ता इसलिए महत्वपूर्ण है, आजकल देखिए कोविड-19 का जो चल रहा है दौर, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसमें सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो जो जस्ता से इम्यूनिटी होती है, खास करके माताएं बहनें जिनकी एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसी प्रजाति जिसमें प्रोटीन भी अधिक हो, जस्ता भी अधिक हो और आयरन भी अधिक हो, तो तीनों एक साथ हों वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।